हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्लॉग्स। तो गाइस, मैं कुछ दिन पहले एक अकाउंट ओपन करवाया था और उसमें जो है हमको यह एक किट मिला है और किट में क्या क्या मिला है उसके बारे में बताएंगे। तो गाइस, यह जो अकाउंट है HDFC बैंक का अकाउंट ओपन करवाया है और इसको ओपन करवाने में मुझको 2500 रुपया का फर्स्ट पेमेंट लगा हुआ है। और यह जो अकाउंट हमने अपने दोस्त के जो CSP सेंटर है वहाँ से ओपन करवाए हैं। तो अगर किसी को ओपन करवाना होगा तो हम उनका एड्रेस दे देंगे और आप जो है ओपन करवा लीजिएगा। तो दोस्तों, यह जो अकाउंट है आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बैंक में नहीं भी जा सकते हैं तो ओपन हो जाएगा और इसका जो है KYC वगैरह सारा चीज़ ऑनलाइन प्रोसेस है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिलहाल गाइस, इसको जो है हम ओपन करते हैं और बताते हैं कि इस किट में क्या क्या आया है। तो देखिए गाइस, इसमें जो है हम इसको अभी ओपन नहीं किए हैं, तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। तो देखिए, इसको हम ओपन कर रहे हैं। यह जो है HDFC के द्वारा वेलकम किट दिया गया है। जो भी लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं उनको दिया जाता है। तो गाइस देखिए, यही वेलकम किट आया हुआ है। इस पर जो है सबसे ऊपर लोकेशन रहता है कहाँ डिलीवर करना है यह वेलकम किट को। तो इसको जो है हम साइड में रखते हैं। देखिए, फिलहाल इसको हम साइड में रखते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पर इसमें जो है ATM आया हुआ है। देखिए, इस साइड ATM है। देख लीजिए, आपको नज़दीक से दिखाते हैं। तो गाइस, इसमें जो है ATM था और इसके बाद जो है इसको साइड में रखते हैं। और यह जो आप लोग देख रहे हैं इसको हाइड कर देते हैं। देखिए, यह जो है चेकबुक है और इसको भी यह कितना पन्ना का चेकबुक है चेक कर लेते हैं। तो यह चेकबुक लगता है 5 पेज का चेकबुक है। इसको भी आप साइड में रखते हैं। और गाइस, यह जो आप लोग देख रहे हैं यह पासबुक है। देख लीजिए, पासबुक इस तरह से आता है। इसका पासबुक है, देख लीजिए। पासबुक बहुत ही बढ़िया है। और यह क्या है, यूज़र मैनुअल है, किसको कैसे यूज करना है, फीडबैक कंप्लेन कैसे क्या करना है, RTGS के बारे में है, यूज़र मैनुअल गाइड है। और यह एक प्रकार का किसी भी तरह से फेक होने से बचाने के लिए यह लिखा गया है कि नेवर
OTP, कार्ड नंबर, UPI पिन, बैंक डिटेल्स, कस्टमर आईडी और पासवर्ड किसी को शेयर ना करें, इसमें यह चीज़ लिखा गया है। और इसके बाद जो है इसमें जो है जितने भी अकाउंट होते हैं उस अकाउंट के बारे में लिखा गया है, जैसे कि सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट, इसको भी साइड में रखते हैं। और यह जो दिया गया है इसमें जो है एक QR कोड दिया गया है, देख लीजिए, और यह QR कोड को स्कैन करके हम अपने कार्ड को एक्टिव कर सकते हैं, जो कि डेबिट कार्ड दिया गया है। और इसमें जो है यह इंश्योरेंस के लिए है, किसमें कौन सा कार्ड में कितना इंश्योरेंस है इसको भी आप साइड में रखते हैं। और ये जो है ये भी नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के बारे में सारा बताया गया है, इसको भी साइड में रखते हैं। तो गाइस इसमें जो है दिखाया गया है कि किसका कितना चार्जेस लगेगा, तो इसमें जो है पासबुक इशू का फ्री पैसा नहीं लगेगा, डुप्लीकेट पासबुक अगर इशू करवाते हैं तो उसका जो चार्जेस है 100 रुपीज़ है। और इसमें जितना भी चार्जेस है सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। तो बस गाइस इस किट में इतना ही सब कुछ मिला है। तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद, और जो लोग भी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप गुनगुन मोबाइल शॉप एंड इंटरनेट वर्ल्ड पजरुखिया में आप आकर के वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और नहीं तो आप जो है इसका अकाउंट ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हैं HDFC मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि HDFC का अकाउंट कैसे ओपन होता है। धन्यवाद।